ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, ये क्लास 10th की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ओसवाल सैंपल पेपर से लिया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यूज ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है, वैल्यू बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों नंबर है, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की जो भी आएगा आंसर वो एक वैल्यू में आएगा, नंबर में आएगा। इसलिए यहाँ पर हमको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो गिवन दिया हुआ, ये हमारा गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो साइन थीटा यहीं पे रहने दीजिए, ये जो माइनस कॉस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा, इसको हम जीरो के साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये जीरो के साइड जाएगा तो ये माइनस कॉस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अच्छा अब देखिए क्या कीजिएगा आप, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें हम इंटू वन कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू वन। अच्छा इंटू वन कर देंगे तो ये तो इंटू होने पर कॉस थीटा के ही बराबर तो आएगा ना, तो इसमें तो इंटू वन हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा में हमने क्या कर दिया, 1 इंटू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस थीटा है ना, इस कॉस थीटा को हम इधर साइड लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है। तो कॉस थीटा जब इधर साइड आएगा साइन के साइड में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा, ये कॉस थीटा हम इधर लेकर आएंगे, तो कॉस थीटा इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला आएगा, साइन के डिवाइड में चला आएगा, इक्वल टू ये कॉस इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 ही तो बचेगा, ये 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, आपको पता है टेन के बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा यहां मैं बता देती हूँ, जो टेन होता है इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना, टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये जो साइन अपॉन कॉस है ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा इक्वल टू ये क्या है, 1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहां टेन दिया हुआ है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन वाला ही देखिए, टेन में थीटा की वो वैल्यू देखिए जिसमें थीटा की वैल्यू 1 हो। तो टेन थीटा की कौन सी वैल्यू आप देखेंगे, थीटा इक्वल टू 45, यानी कि टेन 45। देखिए टेन है तो टेन वाला ही टेबल देखेंगे, टेन का वो टेबल देखिए जिसका वैल्यू, जिसमें थीटा की वैल्यू 1 हो। तो टेन 45 क्या होता है, ये आप जानते हैं कि टेन 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो 1 है, इस 1 की जगह देखिए 1 इसके बराबर है, तो 1 की जगह हम टेन 45 लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिख दीजिए टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, हमने 1 की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 45 डिग्री मिल गया ना, थीटा की वैल्यू 45 मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 45। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 4 और ये थीटा की जगह, थीटा किसके बराबर, 45। तो यहाँ पे 45 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कॉस 4, देखिए पावर है 4, ठीक है, और ये थीटा है, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 45, ये लिख दिया हमने। अच्छा ये देखिए साइन का पावर 4 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 45 का होल, ये यहां पे मैंने लगा दिया 4, ये 4 पावर है ना, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा के बाहर 4 लगा दिया मैंने, बात तो एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो मैंने ये जो 4 है ब्रैकेट लगा के बाहर लगा दिया पावर, ठीक है, ये पावर मैंने बाहर लगा दिया। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको भी ऐसे लिख देते हैं कॉस 45 और पावर 4 है तो यहां पर लगा देते हैं ब्रैकेट लगा के, ठीक है, हो गया। अच्छा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, पावर कितना लगा, 4, ये लगा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 4 लगा, तो यहाँ लगा देंगे पावर, ठीक है, प्लस इसकी कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है, और यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, लगा दीजिए। तो अब देखिए इसको 4 बार इंटू करना है, तो चलिए इंटू करते हैं, 1/√2
इंटू वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू। देखिए फोर लगा है पावर, तो चार बार लिखेंगे ना, तो देखिए चार बार लिख दिया। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक स्टेप कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर ये प्लस, अब देखिए ये भी चार बार आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पावर फोर है, तो चार बार लिख दीजिए। लिख दिया आपने, लिख दी चार बार, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला वन 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 जो है न्यूमरेटर में क्या पूरा वन है, तो ये तो इंटू के वन ही आएगा अपॉन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रूट टू इंटू रूट टू, यहाँ पर देखिए पेयर बनना है, तो यहाँ से एक टू बाहर निकल आएगा, यहाँ से एक टू बाहर आ गया इंटू। इसमें भी देखिए ये भी दो बार इंटू होगा, रूट टू किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है, लिख दिया मैंने प्लस। यहाँ पर भी सेम होगा, ये पूरा ऊपर वन जो है इंटू कर देंगे तो वन ही होगा। ये रूट टू जो है यहाँ से एक टू बाहर आ जाएगा इंटू, ये और ये दोनों इंटू करेंगे रूट टू इंटू रूट टू, तो उसमें से भी पेयर बन के एक टू बाहर आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास, तो अब ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू फोर, वन अपॉन फोर हो गया प्लस वन, ये भी टू टू जब फोर हो गया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा, और ये ऊपर ऐड कर लीजिए वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू अपॉन फोर, ठीक है। तो कैंसिल हो गए, टू वन जब टू टू जब फोर, तो ये कितना आया, वन अपॉन टू। कहने का मतलब कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो किसके बराबर आ रहा है, वन अपॉइंट टू के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉइंट टू है। तो यहाँ आंसर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका सी है। देखिए वन अपॉइंट टू, देखिए करेक्ट ऑप्शन सी आ रहा है ना, ये वन अपॉइंट टू के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।